हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ इंद्रजीत और आप देख रहे हैं मेरा टेक चैनल टेक इंद्रो। फ्रेंड्स, मैंने आज एक रूम हीटर बनाया, वो भी स्क्रैप मटेरियल से। इसको बनाना बहुत ही इजी है, एकदम सस्ते से सस्ते में ये बन जाता है। इसी ठंडा में रूम हीटर हाथ पैर को गर्म करेगा, साथ में रूम को भी गर्म रखेगा। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं इसका मेकिंग प्रोसेस। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस टाइप का कोई पेंट का खाली डब्बा ले लेना है। आपको पेंट डब्बा नहीं मिल रहा है तो इसी टाइप का कोई भी टीना या एलुमिनियम का डब्बा ले सकते हो। इसके बाद इसका ऊपर और नीचे वाला पार्ट को निकालने के लिए एक फाइल का मदद से इसको अच्छी तरह घिस लेंगे। आपके पास फाइल नहीं होगा तो आप एक रफ सरफेस में घिस के भी इसका काम चला सकते हो। आप देख सकते हैं मैं फाइल से इसको अच्छी तरह घिस चुका हूँ। फाइल लेके घिसने से इसका किनारा जो है साफ हो जाता है और ढक्कन जो है बहुत ही आसानी से निकल जाता है। इसी तरह सेम प्रोसेस इस्तेमाल करके पीछे वाला ढक्कन भी निकाल लेंगे। दोनों ढक्कन निकालने का सबसे आसान तरीका यही होता है, थोड़ा सा फाइल का मदद से घिस के इसका जो किनारा है उसको स्मूथ कर लेंगे। अभी फ्रेंड्स, इसमें मैंने जरूरत के हिसाब से कुछ छेद कर लिया जिसपे मैंने हीटिंग एलिमेंट और फैन को फिट करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये वाला हीटिंग एलिमेंट मैं यूज करने वाला हूँ। ये वाला हीटिंग एलिमेंट जो टेबल फैन होता है उसका रेगुलेटर में ये लगा रहता है। फैन का स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसका जो कॉयल है वो नाइक्रोम वायर से बनाया जाता है। इसको मैंने एक पुराना वाला टेबल फैन से निकाला हूँ। हीटिंग कॉयल को इसी पोजीशन पे वायर के माध्यम से रोकना है। कॉयल को रोकने के लिए मैंने दोनों साइड में दो वायर फिट कर दिया। कॉयल को पावर देने के लिए इसका दोनों एंड पे दो वायर को कनेक्शन कर देना है। मैंने इधर दो वायर को कनेक्शन कर दिया। थोड़ा सा वायर का जो कवर स्लीव होता है उसको दोनों जॉइंट पे चढ़ा देंगे। इससे वायर मजबूती से कॉयल से जुड़ जाएगा और ये सेफ भी होगा। अभी फ्रेंड्स, इसका अंदर में कॉयल को फिट कर देंगे। अभी मैंने जो पेन डब्बा में छेद करके रखा था उसी में वायर को घुसा के इसको सही पोजीशन में रोक लेंगे। अभी बाहर से जो वायर निकला हुआ है उसको मोड़ के इसको रोक लेंगे मजबूती से। दोनों साइड में सेम इसी टेक्निक को अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बहुत ही मजबूती से सही पोजीशन में बैठ गया और ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है और बॉडी से कहीं से भी टच नहीं है। हीटिंग एलिमेंट का दो वायर को नीचे वाला छेद से बाहर निकाल लेंगे। अभी डीसी 12 वोल्ट का ऐसे वाला एक एग्जॉस्ट फैन लेंगे जिसको मैंने पुराना मदरबोर्ड से निकाला हूँ। कूलिंग फैन को कुछ इस तरह डब्बा का पीछे फिट कर देना है। फैन को डब्बा का पीछे रोकने के लिए मैं चार्टो वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चार्टो वायर को मैंने डब्बा का पीछे छेद करके उसके अंदर फंसा लिया। अभी फैन में जहाँ स्क्रू लगता है उसी पे वायर को घुसा के अच्छी तरह बांध लेंगे। मैंने वायर को टाइट करके पेन डब्बा का पीछे साइड में फैन को रोक लिया। अब ये दोनों जो वायर देख रहे हैं ये हीटिंग कॉइल का वायर है, इसमें 220 वोल्ट एसी सप्लाई देना है और फैन से जो दो वायर निकला है उसमें 12 वोल्ट डीसी सप्लाई देना है। साइड से जो एक्स्ट्रा वायर निकला हुआ था उसको काट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो पेन डब्बा का पीछे साइड का ढक्कन निकला हुआ था उसी से एक तो स्टैंड बना लेंगे। स्टैंड को बॉडी के साथ रोकने के लिए मैं छोटा सा एक नट बोल्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो पुराना वाला स्विच से मिल जाएगा। अभी नट बोल्ट का मदद से स्टैंड को बॉडी के साथ रोक देना है। नट बोल्ट को अच्छी तरह टाइट कर देने से ये बॉडी के साथ फिट हो जाएगा। अभी एक स्क्रू ड्राइवर का मदद से इसको अच्छी तरह टाइट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये अभी कोई भी बेस का ऊपर बहुत अच्छी तरह बैठ जाएगा। ये मेरे पास कुछ प्लाईवुड का टुकड़ा पड़ा हुआ था, इसका ऊपर रूम हीटर को बिठाएंगे। फ्रेंड्स, ये प्लाईवुड का पीस का ऊपर ये बहुत अच्छी तरह बिठ जाएगा। इसी जगह में दो स्क्रू देके इसको रोकना है। रूम हीटर को प्लाईवुड के ऊपर रोकने के लिए मैंने दोनों स्क्रू को बहुत अच्छी तरह टाइट कर दिया। मैंने इधर जो डीसी 12 वोल्ट फैन को इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको पावर देने के लिए मैंने ये एडोप्टर को इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका जो व्हाइट वायर है उसमें 220 वोल्ट एसी देने से ब्लैक और रेड वायर पे 12 वोल्ट डीसी आउटपुट होता है। इसका जो वायरिंग है बहुत ही इजी है। पोलैरिटी देख के फैन को एडोप्टर आउटपुट से जोड़ देना है और 220 वोल्ट पावर कॉर्ड के साथ एडोप्टर को और हीटिंग कॉइल को कनेक्शन दे देना है। फ्रेंड्स, मैंने पावर कॉर्ड के लिए इसी वायर को इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसको एडोप्टर और हीटिंग कॉइल से जोड़ देना है। फ्रेंड्स, मैंने इधर सारा कनेक्शन कर लिया और कनेक्शन को इंसुलेट करने के लिए हीटसिंक ट्यूब का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक लाइटर का मदद से हीटसिंक ट्यूब को जॉइंट का ऊपर बिठा देंगे। अभी एक स्क्रू का मदद से एडोप्टर को प्लाईवुड के साथ फिक्स्ड कर देंगे। अभी इसी टाइप का एक वायर क्लिप देके जो पावर कॉर्ड है उसको फिक्स्ड कर देंगे प्लाईवुड के साथ। अभी फ्रेंड्स, इसका सामने सेफ्टी के लिए एक नेट बिठा देना है। अभी मेरे पास कोई नेट नहीं है इसीलिए मैं कॉपर वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, इसका सामने नेट देना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसका सामने जो हीटिंग एलिमेंट है उसमें कुछ भी टच होगा तो इलेक्ट्रिक शॉक तो लगेगा ही, साथ में ये जला देगा। तो फ्रेंड्स, मेरा ये रूम हीटर सस्ते से सस्ते में बांध के तैयार हो चुका है। अभी ये टेस्टिंग के लिए पूरा रेडी है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने इसको पावर दिया अब देख रहे हैं हीटिंग एलिमेंट गर्म हो रहा है और इसका पीछे जो फैन लगा है वो एयर को पीछे से सामने की तरफ धकेल रहा है जिस एयर को एलिमेंट गर्म कर दे रहा है। और फ्रेंड्स, इसमें पावर कंजप्शन भी बहुत कम है तो इसमें बिजली बिल भी कम आने वाला है। फ्रेंड्स, इसका सामने कुछ भी सामान आता है तो ये जला देता है। ये इतना हीट हो रहा है कि हर चीज को जला देता है। आप देख सकते हैं पेपर को कैसे जला दे रहा है। अभी फ्रेंड्स, इसका टेम्परेचर चेक करेंगे, देखेंगे ये एयर को कितना गर्म कर पा रहा है। अभी फ्रेंड्स, मैंने एक होममेड टेम्परेचर सेंसर मीटर ले लिया जिसको सामने रखेंगे और देखेंगे ये टेम्परेचर को कितना तक बढ़ा सकता है। फ्रेंड्स, मेरा ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट का माध्यम से बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मेरा चैनल में रेगुलरली ऐसे वीडियो मिलता रहेगा। आप देख सकते हैं टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो रहा है।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं थोड़ी देर में टेम्परेचर 60 डिग्री तक इंक्रीज हो चुका है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।